हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं पैरामीटर्स ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था सेक्शंस के बारे में, बैलेंस सेक्शन होता है, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होता है, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन होता है, और उसके बेसिस पे हमने निकालना सीखा था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कि आप एक गिवन सेक्शन पे मैक्सिमम कितना बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा होगा, तो मैंने उसमें आपको हर एक सेक्शन को हर एक कंडीशन में कैलकुलेट करना सिखाया था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस वाले लेक्चर में मैं आपको स्पेशली कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। एक्चुअली ये पैरामीटर्स आप हर सेक्शन के लिए फॉर्मूले के तौर पर याद कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस कंडीशन में हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यूज नोन होती है। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों पे ही स्ट्रेस और स्ट्रेसेस इन स्टील और कंक्रीट दोनों अपने कहाँ होती है, परमिसेबल वैल्यूज पे। इसलिए हम यहाँ कुछ पैरामीटर्स लिखेंगे, जो पैरामीटर्स क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट, कुछ कंडीशंस के साथ हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल आ सकता है, या फिर जब कैलकुलेशन करें तो आप चाहें तो फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको ये टेबल बनवाई है, इसमें आप देखें कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं। पहला लिखा है सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी क्या होता था? परमिसेबल स्ट्रेसेस इन टेंशन इन स्टील। फिर इसको दो कंडीशन में पढ़ते थे, फाई मतलब डाया ऑफ बार। फाई मतलब क्या है? डाया ऑफ बार। क्लियर? तो 140-30 ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। अब जैसे जो मैंने वैल्यूज नीचे लिखी है ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मैं आपको यहाँ इनका डेरिवेशन करके भी बताऊंगा कुछ वैल्यूज का। क्लियर? और बाकी आपको याद करना है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू याद करें, ऑब्जेक्टिव में समय बचता है। क्लियर? और दूसरी चीज़ क्या है कि फॉर्मूले का हमें मीन समझ में आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये पैरामीटर्स को मैं आपको यहाँ पूरा ड्राइव कराऊंगा, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या डिज़ाइन करते हैं तो उसमें समय बचता है अगर हमारे पास डायरेक्ट क्या होती हैं, वैल्यूज नोन होती हैं या हमें याद होती हैं। तो एक एक करके जैसे मैं पहला आपको बताऊंगा न्यूट्रल एक्सेस कोफिशियंट। तो जैसे न्यूट्रल एक्सेस कोफिशियंट एंड नॉट फॉर बैलेंस कंडीशन हम क्या लिखते थे? एक्स बैलेंस बाय डी। क्लियर? अब एक्स बैलेंस बाय डी ये रहा, मैंने पहले से आपके लिए एक सेक्शन बनाया है जिसमें स्ट्रेसेस का वेरिएशन भी है, और ये कैसा है? बैलेंस्ड सेक्शन। क्लियर? आप समझ सकते हैं सिग्मा सी बी सी एंड सिग्मा एस टी, इट इज अ बैलेंस्ड सेक्शन। अब जैसा, तो जैसे हम जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस कोफिशियंट फॉर बैलेंस कंडीशन क्या होता है? एक्स बैलेंस बाय डी। अब एक्स बैलेंस बाय डी आप कैसे निकालते थे? ये बेंडिंग स्ट्रेसेस के वेरिएशन से, इसमें हम क्या लगाते थे? सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो इस वेरिएशन में अगर मैं क्या लगाऊं? सिग्मा सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ सिग्मा सी बी सी है, यहाँ सिग्मा एस टी है, तो देखिए आप कैसे लिखते थे, x बैलेंस अपॉन d माइनस x बैलेंस रहेगा बराबर। अब देखिए x बैलेंस के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? सिग्मा सी बी सी। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? सिग्मा एस टी बाय एल। अब मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट उस फॉर्म में लिखूंगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करके कैसे याद किए थे? x बैलेंस बाय d बराबर 1 अपॉन 1 प्लस 3 सिग्मा एस टी बाय एल। ये आपने लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव किया था, तो इसी को जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, बराबर में क्या लिख सकते हो? एंड नॉट। और फिर मैंने स्टेटमेंट दिया था कि इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन न्यूट्रल एक्सिस कोफिशियंट विल डिपेंड ओनली ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। काय पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील। तो यदि मेरे पास ये फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्टली क्या रख सकते हो? सॉरी, इसको ओपन करेंगे 280, 3 सिग्मा एस टी बाय 280। तो आप देखेंगे इसमें केवल एक वैल्यू नोन हो अगर हमारे पास सिग्मा एस टी, और सिग्मा एस टी काय पे डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ स्टील। तो यदि ग्रेड ऑफ स्टील है तो देखिए मैंने आपको पहले ही इसकी वैल्यू लिखवाई है, तो आप इस फॉर्मूले में क्या रखते जाएंगे? वैल्यू ऑफ सिग्मा एस टी। क्लियर? और आपके पास जैसे आप एक बार यहाँ सिग्मा एस टी क्या रखेंगे? 250 क्या रखेंगे? सॉरी 140। जैसे अप टू डाया 20 mm 140 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 3 सिग्मा एस टी 3 इंटू 140 बाय 280।
तो आपकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4, एंड नॉट कितना आएगा 0.4। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो 130 रखेंगे, तो देखिए 140 से 130 में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ऊपर आप देखो वैल्यू अबाउट आई 0.4, नीचे आएगी 0.417 समथिंग, क्लियर। तो इसका मतलब अप्रॉक्स क्या होता है, 0.4 याद रख सकते हो आप एक वैल्यू। तो जब आप एग्ज़ाम में ये सवाल करो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको ये वैल्यूज़ डायरेक्ट याद हो सकती है। अगर डायरेक्ट ना करें तो हमेशा आपके पास फॉर्मूला भी है। तो एक्चुअली मैं एक टेबल में आपको ये सारे पैरामीटर्स दे रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको बैलेंस के कंडीशन को करस्पॉन्ड करते हुए ज़्यादा सवाल आएंगे, क्योंकि बाकी में तो कैलकुलेशन जानता होगा, लेकिन बैलेंस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, नोन होती है। तो जैसे मैंने आपको इस फॉर्मूले से निकालना क्या सिखाया, एन नॉट न्यूट्रल एक्सिस कोफिशियंट फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, क्लियर। तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज करस्पॉन्डिंग रखते जाएं तो आपको एन नॉट मिलता जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब अगर आपके पास एन नॉट है सो यू कैन कैलकुलेट, सॉरी, अगर एन नॉट है सो यू कैन कैलकुलेट जे नॉट। जे नॉट क्या होता था, लीवर आर्म कोफिशियंट, जो कि बराबर होता था 1 - n0/3। जे नॉट क्या होता है, 1 - n0/3। तो देखिए ये 1-2 कंडीशन यही रहेगी, डाया अप टू 20 mm, डाया ग्रेटर देन 20। तो आप एन नॉट आ गया, सो यू कैन कैलकुलेट द फर्दर वैल्यूज ऑफ जे नॉट फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, क्लियर। तो फॉर्मूला भी याद रखना है और फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करके डायरेक्ट वैल्यूज भी आप याद कर सकते हो, क्लियर। अब एन नॉट आ गया, जे नॉट आ गया, तो कल हमने पढ़ा था एम ओ आर बैलेंस। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम ओ आर बैलेंस, यह आपने क्या लिखा था, आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर। इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा हमारा, एम ओ आर बैलेंस बराबर आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर, क्लियर। आर डब्ल्यू क्या होता था, इट इज़ नथिंग, हमने सी इंटू जेड करके निकाला था, हाफ ऑफ सिग्मा सी बी सी इंटू एन नॉट इंटू जे नॉट। एक कॉन्स्टेंट के तौर पे याद कर सकते हैं आर डब्ल्यू, हाफ सिग्मा सी बी सी एन नॉट इंटू जे नॉट। अब देखिए जैसे अपन लोग कि ग्रेड क्या दिया, एफ ई 250, आपको निकालना है एम ओ आर बैलेंस, किसी भी सेक्शन का क्या निकालना है, बैलेंस्ड एम ओ आर। तो आप देखिए क्या करोगे, एन नॉट जे नॉट गिवन है, ये आर डब्ल्यू की वैल्यू काय में आएगी इन टर्म ऑफ सिग्मा सी बी सी, तो आप करस्पॉन्डिंग 0.4, 0.876 रखेंगे तो आर डब्ल्यू इन टर्म ऑफ काय में आएगा सिग्मा सी बी सी। तो देखिए आर डब्ल्यू किसके टर्म में आ रहा है, सिग्मा सी बी सी के टर्म में, और सिग्मा सी बी सी भी आपको काय में दिया रहेगा, इट इज डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो आपको ग्रेड ऑफ स्टील भी सवाल में देते हैं, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी सवाल में देंगे। तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली एम ओ आर बैलेंस, क्लियर। सो या तो ये फॉर्मूले यूज कर ले, क्या यूज कर ले, फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले में दिक्कत है तो आप ये टेबल को भी मतलब एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूज याद करना, इतने सारे वैल्यूज क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं, रिकमेंडेशन होते हैं, तो इतना वैल्यू याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू तो हम आइडिया लगा पाएंगे, और अगर टेबल याद ना हो तो आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्लियर। फिर भी हमेशा क्या करें, जब आप खुद एनालिसिस करें, सॉल्व करें एक बार अच्छे से, तो इसको बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने तो आपके लिए यहाँ बना दिया था, आप ये जो फॉर्मूले मैंने ड्राइव किए हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से, क्लियर, आपको बिना देखे क्या बनाना है, ये टेबल आप केवल पैरामीटर लिख लीजिएगा और धीरे धीरे आप सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूले रख के, तो अपने आप सारी वैल्यूज आएंगी। इससे क्या होगा कि इससे आपको मेमोराइज याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। और बैलेंस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये कंडीशन आपको बैलेंस में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाएगी। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये एक्चुअली सारे फॉर्मूले हम लास्ट लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से समझाया है, बस उसी आधार पे मैंने यहाँ क्या बताया, बैलेंस्ड सेक्शन के लिए, क्लियर। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार खुद से ये फॉर्मूले लिख के ये टेबल बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको मेमोराइज अच्छा हो सके, क्लियर। तो
तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्या एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, किसी भी बीम वगैरह का जो सेक्शन होता है उसमें क्या क्या खासियत होती है, कितना स्ट्रेस कब लोड के कारण आएगा, बेंडिंग मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब चीज़ें क्लियर। उसी के आधार पर मैंने आपको बैलेंस बताया। अब मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा क्या डिज़ाइन स्टेप्स, क्लियर। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन स्टेप। सो अब हमने पढ़ लिया अभी तक काय का एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन किसी भी बीम वगैरह के लिए। तो आपने अभी तक जो पढ़ा वो काय में पढ़ा बेंडिंग। बेंडिंग मतलब आपको हमेशा एक पहले क्या दिया रहेगा, सपोज अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट, इसको हम मान लेते हैं समथिंग कैपिटल एम। हमें हमेशा क्या, जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एक सेक्शन दिया गया होगा, उस सेक्शन पे आप कितना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आपने MOR पढ़ा, उनके कारण या एक मूवमेंट के कारण कितना स्ट्रेसेस स्टील या कंक्रीट में हो सकता है। अब ये एनालिसिस हो गया। तो मैंने लास्ट लेक्चर बताया था, मतलब लास्ट नहीं और पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में दो प्रकार के सवाल आएंगे, एक प्रकार जो आप अभी करके आए एनालिसिस, दूसरे प्रकार के सवाल होंगे आपके डिज़ाइन पे बेस्ड, क्लियर। तो डिज़ाइन तो जैसे कन्वेंशनल्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो ऐसा समझ लें कि आप पहला स्टेप पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ बीम का। तो अभी मैं डायरेक्टली एक क्या ले रहा हूँ, अप्लाइड बेंडिंग मूवमेंट। वैसे तो आपको क्या निकालना पड़ता है, टोटल लोड निकालना पड़ता है, फिर लोड से आप क्या निकालते हैं, लोडिंग कंडीशन सपोर्ट कंडीशन के आधार पे एक बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। फिलहाल मैं डायरेक्टली एक अप्लाइड मूवमेंट मान लेता हूँ, क्या दिया गया है कैपिटल एम। आपको इस मूवमेंट के लिए एक सेक्शन डिज़ाइन करना है। सेक्शन मतलब सिंपल, सेक्शन में क्या क्या होता है, बी होता है, डी होता है और एरिया ऑफ स्टील होता है। एक सेक्शन ऐसी दिखता है आरसीसी का। तो आपको यही बताना है कि ये बी वाई डी क्या होता है, कंक्रीट का एरिया, ये बताना है कि कैसे कैलकुलेट करोगे और उसके अंदर कितना एरिया ऑफ स्टील एम्बेडेड होगा, ये भी हमें बताना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं आप बी डी ए एस टी, इनडायरेक्टली आप कैसे डिज़ाइन करते हैं एक सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसमें मैं दो कंडीशंस लेके चलूँगा, दो कंडीशन मतलब जैसा केस वन, केस वन, केस वन में मैं क्या रहूँगा, डेटा को एनालिसिस करूँगा और डेटा में मुझे क्या क्या दिया रहेगा, अप्लाइड मूवमेंट कैपिटल एम, ग्रेड ऑफ मटेरियल दैट इज एफ सी के एंड एफ वाई, क्लियर, ग्रेड ऑफ मटेरियल दिया रहेगा, ठीक है। और फिलहाल इतनी चीज़ें अपन मानते हैं कि ये चीज़ें क्या रहेंगी, गिवन, क्लियर, इतनी चीज़ें गिवन है। अब इसके लिए मुझे क्या बताना है, कितना बी डी और ए एस टी होगा डिज़ाइन में। तो इसमें मैं क्या करूँगा, तो एनालिसिस में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एनालिसिस में आपने सेक्शंस पढ़े थे अंडर और ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड और आई, फिर आपको मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 आपका क्या रिकमेंडेशन देता है कि ऑलवेज प्रोवाइड द अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, कभी भी हम ओवर रीइंफोर्स्ड नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि हमने पढ़ा था अंडर रीइंफोर्समेंट में कैसा होता है, डक्टाइल फेलवर, फेलवर के पहले यील्डिंग ऑफ स्टील होती है, दैट इज क्रशिंग के पहले यील्डिंग ऑफ स्टील होती है, तो आपको एक प्रायर वार्निंग मिलती है फेलवर का। ओवर रीइंफोर्समेंट में डायरेक्टली कॉन्क्रीट क्रश होता है, तो अंडर रीइंफोर्समेंट में डक्टाइल फेलवर होता था, ओवर रीइंफोर्समेंट में ब्रिटल फेलवर होता था। इसलिए IS कोड बोलते हैं हमें कैसा, ब्रिटल फेलवर नहीं, हम चाहते हैं डक्टाइल फेलवर। तो इसलिए आपका IS कोड बोलता था कि ऑलवेज प्रोवाइड अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो उसी का आधार हम मानेंगे और हम देंगे सीधा सीधा क्या, फॉर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन का कंडीशन मैंने क्या बताया था, M अप्लाइड होगा, इट शुड बी लेस देन MOR बैलेंस। ये कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी अंडर रीइंफोर्समेंट के समय कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अप्लाइड मूवमेंट क्या होना चाहिए, MOR बैलेंस से कम होना चाहिए, तो आपका सेक्शन क्या कहलाएगा, अंडर रीइंफोर्स्ड। अब M तो आपको गिवन है, MOR बैलेंस कैसे लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा है,
आर डब्ल्यू बी डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ से D क्या आ जाएगा, D शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू M अपॉन आर डब्ल्यू इन टू वी, वेरी इंपॉर्टेंट। D क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ, क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट डेप्थ, लेकिन इस डेप्थ में एक प्रॉब्लम है कि आपको बी भी तो नहीं पता, बी भी तो क्या करना है, ब्रेथ ऑफ बीम भी तो कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम बी को अज्यूम कर लेते हैं, ये मैं अज्यूम करना आपको आगे लेक्चर्स में बता दूंगा। एक बी की वैल्यू ब्रेथ ऑफ बीम आप अज्यूम करते हैं और डी क्या करेंगे कैलकुलेट, बी अज्यूम करोगे और डी क्या करोगे कैलकुलेट। तो इस तरीके से आपको एक सेक्शन में क्या मिल गया, बी बाय डी। यहां याद रखिएगा ये क्या कहलाता है, इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन आपके डिजाइन में हमेशा वो शो क्या करेगा, ओवरऑल डेप्थ, क्या शो करेगा ओवरऑल डेप्थ, और जो आपको मिला है वो क्या आया है स्मॉल डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर। सो वो मैं बता दूंगा कि आप कैसे निकालोगे ओवरऑल या इफेक्टिव से ओवरऑल कैसे। फिलहाल हम मानते हैं कि हमें एक एरिया ऑफ कॉन्क्रीट तो मिल गया इफेक्टिव वाला, क्लियर, ये होता है इफेक्टिव एरिया ऑफ बीम। सो यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस वे, क्योंकि आपको हमेशा क्या देना है अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स रहे इसलिए डेप्थ रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। अब अगर वो सेक्शन क्या है अंडर रीइंफोर्स्ड है तो बी और डी तो आ गया, अगला क्या बचा हमारा कैलकुलेशन ऑफ एएसटी, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, सॉरी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे अगर सेक्शन क्या है अंडर रीइंफोर्स, तो आपने अंडर रीइंफोर्स सेक्शन का एमओआर पढ़ा है, तो मैं एम अप्लाइड बराबर क्या रख दूंगा, एम इंटू एएसटी इंटू सिग्मा एसटी बाय एम इंटू डी माइनस एक्स बाय थ्री। अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है तो मैं एमओआर क्या लिख सकता हूं, एम इंटू एएसटी सिग्मा एसटी बाय एम इंटू डी माइनस एक्स बाय थ्री, ये एमओआर लिख सकते हैं। यहां से आप कैलकुलेट करना क्या चाहते हैं, एरिया ऑफ स्टील, बट इस फॉर्मूले में समस्या क्या है, इस फॉर्मूले में एक समस्या है कि एम तो दिया गया है, मॉडुलर रेशियो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिग्मा एस टी ग्रेड ऑफ मटेरियल पे है, डी आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ एक्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, क्लियर। तो दो वैल्यू अननोन हो गई, एक एरिया ऑफ स्टील और एक एक्स, तो फिर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो फिर मैं एक इक्वेशन का और यूज करूंगा, जो इक्वेशन होता था बी एक्स स्क्वायर बाय टू बराबर एम इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। एनालिसिस में सबसे पहले जो फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने टू कैलकुलेट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ। तो अब देखिए दो अननोन है, इसमें भी अननोन क्या है ए एस टी और एक्स, बाकी चीजें रहेंगी, बी आपने अज्यूम किया डी दिया। तो अब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स यू द वैल्यू ऑफ ए एस टी। आप यहां से एक निकालेंगे ए एस टी रिक्वायर्ड, कि आपको इस सेक्शन में कितना ए एस टी रिक्वायर्ड देने की जरूरत होगी, क्लियर। तो ये मैंने एक आपको डायरेक्ट या एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बताया कि इस तरीके से होता है, इट इज़ कंसीडर एज फर्स्ट स्टेप ऑफ डिज़ाइन ऑफ बीम, और जैसे स्लैब में कॉमनली होता है तो आप पहले स्टेप में ये चीज़ करते हो। इसमें बस मैंने जैसे अप्लाइड मूवमेंट डायरेक्टली ले लिया, वैसे आपको क्या देता है लाइव लोड देता है, फिर आप डेड लोड निकालते हो, वो कैसे निकालते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं केवल आपको बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास डायरेक्ट एक अप्लाइड मूवमेंट है तो यू कैन कैलकुलेट या डिजाइन द सेक्शन, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब ये ए एस टी फर्दर चेक होता है, चेक मतलब कि आपका डिजाइन सेफ है या नहीं, इसके लिए आप चेक करते हो। तो इसके लिए आई एस कोड एक मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट देता है कि कम से कभी भी एक मिनिमम एरिया से कम नहीं होना चाहिए,
और एक रिकमेंडेशन है कभी भी मैक्सिमम एरिया से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे इसके आगे डिज़ाइन में आप थोड़ा मेरे ख्याल से होगा कि हम यहाँ एक डाया ऑफ बार अज्यूम करेंगे। डाया ऑफ बार से आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बार्स, और फिर नंबर ऑफ बार्स इंटू एरिया ऑफ वन बार जो भी आपने अज्यूम किया हो, उससे आप एएसटी प्रोवाइडेड निकालते हो। फिर वो एएसटी प्रोवाइडेड एक मिनिमम वैल्यू से और एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में होना चाहिए। ये ऐसा आपका आईएस कोड है। तो हम आगे के लेक्चर्स में आपको कुछ आईएस कोड रिकमेंडेशन देखेंगे जो हमें इस डिज़ाइन में काम में आते हैं। अभी भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इसमें मैंने डायरेक्टली ले ली, तो धीरे धीरे मैं आपको जब रिकमेंडेशन पढ़ाऊँगा अलग से हम पूरा एक पढ़ेंगे रिकमेंडेशन ऑफ आईएएस कोड विच आर यूज्ड इन डिज़ाइन, तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस डिज़ाइन में कहाँ कौन सा रिकमेंडेशन यूज रहेगा। फिलहाल मैंने आपको एक सीधा सादा सिंपल तरीका बताया, दैट इज़ द डिज़ाइन इन बेंडिंग। क्लियर। अब केस वन क्या था, आपको अप्लाइड मूवमेंट दिया, ग्रेड ऑफ मटेरियल दिया। क्लियर। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसी को केस टू में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। क्लियर। तो केस टू क्या हो, कुछ जाना नहीं, ये सब दिया है। क्लियर। इसके साथ एडिशनल चीज क्या दी थी, बी बाय डी। अब बी बाय डी क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ये क्या हुए, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन, मतलब जो आप ये स्टेप कर रहे थे बी और डी, ये तो आपको दे ही दिया। तो ऐसे तो फिर सवाल बड़ा आसान हो गया आपको डिजाइन करने के लिए, क्या बचा केवल एरिया ऑफ स्टील। क्लियर। तो ये तो ज्यादा डेटा दे दिया, तो हमारे लिए चीज सरल हो जाएगी, तो सरल नहीं हो पाती है। इसके भी आपको जैसे केस टू है, तो इसमें भी मैं आपको दो कंडीशंस में डिजाइन समझाऊंगा। दो कंडीशन में कैसे, तो आइए समझते हैं। पहले डेटा को देखना है, क्या क्या दिया, अप्लाइड मूवमेंट, ग्रेड ऑफ मटेरियल। पहले केस से क्या डिफरेंस हुआ, आपको क्या दे दिया, ऑलरेडी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। इसका मतलब है ये बी बाई डी क्या कर दिया गया, फिक्स। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस आर फिक्स्ड, ये स्पेशल केस की स्पेशलिटी है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन आर ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिए गए। क्लियर। अब फिक्स करने से क्या हुआ, तो आइए हम समझते हैं कि इससे क्या हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस है, ग्रेड ऑफ मटेरियल है, तो मैं डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, एम ओ आर बैलेंस। एम ओ आर बैलेंस के लिए क्या चाहिए, आर डब्ल्यू। आर डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड सिग्मा सी बी सी इंटू बी डी स्क्वायर। बी डी आपको ऑलरेडी दे दिया, सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट क्या, एम ओ आर बैलेंस। तो कंडीशन वन यहां से बनेगा, जो मैंने आपको बोला था मैं अलग अलग कंडीशन पे जाऊंगा। तो कंडीशन वन, इफ एम लेस देन एम ओ आर बैलेंस, एम अप्लाइड दिया, एम ओ आर बैलेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ एम लेस देन एम ओ आर बैलेंस, तो सेक्शन क्या हो रहा होगा, सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड। सेक्शन क्या हुआ, अंडर रीइंफोर्स्ड। अब अगर सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है, बी डी है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, सेम इसी स्टेप पे जाएंगे। क्लियर। क्योंकि सेक्शन क्या आया, अंडर रीइंफोर्स्ड। तो फर्दर जो डिजाइन होगा, क्योंकि बी और डी तो पहले ही से आपके पास क्या बचा, एरिया ऑफ स्टील, तो आप अगर सेक्शन इस तरीके से अंडर रीइंफोर्स्ड आया, तो आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करेंगे, उसी तरीके से एरिया ऑफ स्टील। अंडर रीइंफोर्स्ड है तो ये बनेगा एम ओ आर। ये फॉर्मूला हर जगह आपका क्रैक सेक्शन के लिए अप्लाइड होगा। हाँ ध्यान रखें, मैंने यहाँ एक्चुअल सेक्शन बताया, बट वी ऑलवेज वर्क ऑन, देखिए, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। मैंने पहले ही बोला था डिजाइन आप एक्चुअल के लिए करेंगे, लेकिन काम हमेशा काय पे, एनालिसिस और डिजाइन दोनों ही काय पे चलेगा, ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन पे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर। तो ये तो आसान हो गया, इसके आगे का जो चेक होगा वो हम आगे समझेंगे। अब आती है कंडीशन टू। कंडीशन टू क्या होगा, इसका उल्टा। उल्टा मतलब इफ एम ग्रेटर देन एम ओ आर बैलेंस, सो सेक्शन इज
ओवर रीइंफोर्स्ड। अब हो गई समस्या, जब तक अंडर था तब तक तो आपने डिजाइन कर दिया, लेकिन अब सेक्शन कैसा आ रहा है, ओवर रीइंफोर्स्ड। और आईएएस कोड ने रिकमेंड किया है कि आप कभी भी नहीं देते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, बिकॉज इट लीड्स टू ब्रिटल फेलवर। ऐसा नहीं है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आपका लोड नहीं ले सकता। आप नॉर्मली देखो तो इसका मूवमेंट कैपेसिटी कम होता है, बल्कि एम ये देखो ओवर रीइंफोर्स्ड का ज़्यादा होता है, क्लियर। तो ऐसे में ज़्यादा मूवमेंट कैपेसिटी होने के बाद भी हमें कभी भी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन नहीं देते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू ब्रिटल फेलियर, क्लियर। तो ब्रिटल फेलियर होने के कारण आईएएस कोड रिस्ट्रिक्टेड द ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इसलिए हम कभी भी नहीं देते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो यदि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आए तो हम क्या करेंगे, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंगली रीइंफोर्स्ड, मतलब केवल टेंसाइल स्टील देना। अब यदि सेक्शन आता है ओवर रीइंफोर्स्ड, देन वी प्रोवाइड ऑल्सो कंप्रेशन स्टील, दैट इज डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो यहां से याद रखना है एक सेक्शन कब तक सिंगली रहेगा, जब तक के ये कंडीशन प्रिवेल करे, तो आप सेक्शन को कैसा डिजाइन करेंगे, सिंगली रीइंफोर्स्ड। लेकिन जैसे ही इसी कंडीशन में सेक्शन क्या आ रहा हो, ओवर रीइंफोर्स्ड रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन सेक्शन तो बनाना है, मूवमेंट तो आ रहा है, तो फिर हम देते हैं डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। मतलब थोड़ा सा एरिया ऑफ स्टील कहाँ प्रोवाइड करोगे, ऑन कंप्रेशन साइड, क्लियर। तो यहाँ से एक चीज़ याद मतलब समझने वाली बात है और बहुत बेसिक, कि ओवर डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन कब देते हो, सिंगली तो नॉर्मल है, डबली कब देते हो, डबली कब देते हैं जब आपका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस क्या हो, फिक्स्ड। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस क्या हो, फिक्स्ड, और आपका सेक्शन क्या आ रहा हो, ओवर रीइंफोर्स्ड, क्लियर। सो मैंने आपको सिंगली कब तक होगा डिजाइन वो भी यहां समझा दिया, डबली कब करना पड़ेगा ये हमने पढ़ लिया। आगे हमें टॉपिक वाइज ऐसे ही आगे बढ़ना है कि यहां से क्या आएगा, डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो आपके आगे के लेक्चर्स में अब हम सीखेंगे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, सिंपल डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इस डिजाइन में कुछ चीजें हैं जो हम आईएएस कोड रिकमेंडेशन से समझेंगे, तो पहले आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आईएएस कोड रिकमेंडेशंस, और फिर उसके बाद हम आएंगे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डबली सेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।